हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। आज हम जिस देश के बारे में रोचक जानकारी देने वाले हैं, वह देश दुनिया में सबसे सुरक्षित देशों में से एक है। यहाँ के लोगों की लाइफस्टाइल काफ़ी बढ़िया है भाई। यहाँ के लोग काफ़ी पढ़े लिखे भी होते हैं। यहाँ के लोग दूसरों की ज़िंदगी में कोई दखल अंदाजी भी नहीं करते। इस देश में बेरोजगारी नाम कोई चीज़ है ही नहीं। दोस्तों, आपने स्कोडा का नाम तो ज़रूर सुना होगा। इस देश में इस कार का प्रोडक्शन होता है। क्या आपको मार्टिना नोवराटिलोवा, जो एक टेनिस खिलाड़ी, इसके बारे में जानकारी है। वेल, चलिए अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस देश के बारे में बात कर रहे हैं। यह एक मध्य यूरोप में बसा खूबसूरत देश है जिसका नाम चेक गणराज्य है। दोस्तों, आपसे एक दरख्वास्त है कि आप वीडियो अंत तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। चेक गणराज्य यूरोप में बसा काफ़ी खूबसूरत देश है। यह एक लैंडलॉक देश है, यानी कि इसकी चारों ओर दूसरे देशों की सीमाएं लगती है, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, स्कोलोविया, जर्मनी और पोलैंड है। इस देश की जनसंख्या 1 करोड़ के आसपास है और इस देश का क्षेत्रफल 77,240 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ की 75% आबादी शहरों में रहती है और 25% गांव में रहते हैं। यहाँ की औसतन उम्र 45 साल है। दोस्तों, इस देश में बियर पीना काफ़ी आम बात है, तभी तो इस देश को कहा जाता है कि पर कैपिटा के हिसाब से बियर का कंजम्पशन सबसे ज़्यादा होता है और यहाँ हर कोई बियर पीता है। यहाँ के किसी भी छोटी बड़ी पार्टी में बियर तो होती है और एक आदमी कम से कम 2 से 3 लीटर बियर पी जाता है। दोस्तों, इस देश में घर और दुकान में कांच का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जहां आपको करीब हर घर में ब्यूटीफुल कांच से ढके डिज़ाइन नज़र आएंगे। इस देश को पोर्न स्टार का देश भी कहा जाता है, क्योंकि किसी भी देश के मुकाबले सर्वाधिक पोर्न स्टार इसी देश से आते हैं। दोस्तों, चेक गणराज्य दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में से एक है। यहाँ का क्राइम रेट 0% है। वैसे तो इस देश में क्राइम नाम की कोई घटना होती ही नहीं है। इस देश में बेरोजगारी बहुत ही कम है। यहाँ के 98% लोग अपने काम में ही बिजी रहते हैं और रहे वाले 2% लोग बेरोजगारी के अंदर आते हैं। यहाँ के लोगों की लाइफस्टाइल काफ़ी मॉडर्न है भाई, इसलिए तो चेक गणराज्य यूरोप के विकसित देशों में से एक माना जाता है। दोस्तों, आपने स्कोडा की कार देखी होगी या नाम तो सुना ही होगा। स्कोडा कंपनी का प्रोडक्शन इसी देश में होता है और इस कंपनी ने इस देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। दोस्तों, अगर आप खेल के जानकार हैं तो आपको मार्टिना नोवराटिलोवा नाम तो ज़रूर मालूम होगा। मार्टिना नोवराटिलोवा एक टेनिस खिलाड़ी है और इसकी पहचान पूरी दुनिया में है। इन्होंने अब तक बहुत से ट्रॉफीज अपने नाम दर्ज किए हुए हैं। दोस्तों, वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना।